मीरा, रेहान, रेहान, मीरा, यहाँ हूँ मैं। रेहान, रेहान, are you okay? I'm okay. It's over, Meera. You're safe now. कुछ नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। डियर रेहान, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो तुम अपने वक्त में वापस पहुंच चुके हो। तुम्हारे लिए ये कुछ पलों की बात है, पर हमारे लिए ये सब सदियों जैसा है। जब तुम इसे पढ़ रहे होगे तब तक हम शायद इस दुनिया में भी नहीं होंगे। तुम हमें इस तरह से छोड़ के चले गए कि कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वो कहते हैं ना, चीज़ों की कीमत मिलने से पहले और इंसानों की खोने के बाद होती। तुम्हें खोने के बाद हम जी तो रहे थे पर जिंदगी को कहीं पीछे छोड़ाए थे। खाना, सोना, हंसना सब कुछ भूल चुके थे हम। पर फिर हमें एहसास हुआ कि हम तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट की कदर नहीं कर रहे हैं। वो गिफ्ट जो तुमने हमें दिया है, द गिफ्ट ऑफ लाइफ। हम जीना नहीं चाहते थे और तुम हमें जिंदगी देकर चले गए, इसलिए हमने जीने का फैसला किया, खुश रहने का फैसला किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे जाने के कुछ सालों बाद हमारी मुलाकात राजेश से हुई। राजेश में वो सारी बातें थी जो हमें खुश रख सकती थी, इसलिए हमने उनके साथ अपना घर बसा लिया। हमारा एक बेटा भी है, रेहान, जिस नाम ने हमें जिंदगी दी उसी नाम को हमने अपनी जिंदगी बना लिया। हमारी जिंदगी, हमारी खुशियाँ, हमारे सपने, हमारा सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और हम अपना सब कुछ तुम पे कुर्बान कर सकते हैं। अब जब तुम ग्लेनमनोर जाओगे तो तुम्हें वहाँ चीखे नहीं सुनाई देंगी। वो चीखे उस घर से दूर चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए।